हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभ्यास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमारा जो डेटा है, जो भी हमने जनरेट किए हैं सिग्नल, उनको हम कैसे एक्सेल फाइल में राइट कर सकते हैं। ओके, तो हम नॉर्मली यहाँ पे जो बात करेंगे, हम एक्सेल एक्स राइट कमांड की बात करेंगे। तो एक्सेल एक्स राइट कमांड करते क्या है, ये जो भी हमारा डेटा जो भी हम चाहते हैं एक्सेल शीट में उसे राइट करना चाहते हैं, या आप कहें कि आपने कोई सिग्नल जो यहाँ पे जनरेट किया आप उसको एक्सेल शीट में लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो हम यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। तो वो हम किस तरीके से करेंगे वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें करना है कि जो हमारा टाइम एक्सेस है और जो हमारा बाय है, इसको हम क्या करना चाहते हैं, एक्सेल शीट में राइट करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, देखिए, क्योंकि जो एक्सेल एक्स राइट कमांड जो होती है, वो उसमें जो आर्ग्यूमेंट की अगर हम बात करें कि ये कौन कौन से आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करती है, तो यहाँ पे अगर हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में देखें तो इसमें जो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट होते हैं, सबसे पहले आता है फाइल नेम। तो यहाँ पे जो भी फाइल नेम हम जनरेट करना चाहते हैं उस एक्सेल शीट के लिए, जो भी हम फाइल देना नाम देना चाहते हैं, वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद एक पैरामीटर एक्सेप्ट करती है ए, ये जो होता है ये हमारा डेटा होता है, जो भी डेटा आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट मैट्रिक्स। तो अगर आप कोई डेटा एक्सेल शीट में राइट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैट्रिक्स क्रिएट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यही काम कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए, हमारे पास जो डेटा है वो बाय है और टाइम एक्सेस है। तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं, या हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्सेल एक्स डेटा। ओके, तो इस डेटा को हम क्या करेंगे, राइट करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स किस किस के बीच में बनेगी, टाइम एक्सिस के बीच में बनेगी। ओके, और जो हमारा सेकंड है वो क्या रहेगा, हमारा वाई रहेगा। तो यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे मैट्रिक्स मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, मैट्रिक्स मिल गया। अब इस मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, राइट करना है। तो यहाँ पे अगर हम डॉक्यूमेंट्स में फिर से जाएं और देखें कि जो एक्सेल एक्स है, ये अगर ये हमें रिटर्न करके क्या देता है, तो ये हमें दो चीज़ें रिटर्न करके देती है। पहला होता है स्टेटस, दूसरा होता है मैसेज। स्टेटस हमें बताता है कि जो स्टेटस है वो क्या है, लाइक अगर वन, अगर हमारा स्टेटस आया तो हम बोलेंगे कि जो हमारी फाइल है वो सेव हो गई है। अगर टू आता है तो हमारी जो फाइल है वो क्या हो गया, फेल हो गया। और मैसेज में क्या आता है आपको, मैसेज में आता है टेक्स्ट ऑफ द वार्निंग ऑफ एरर मैसेज रिटर्न एज अ स्ट्रिंग। अगर कोई एरर है तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मैसेज मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ें जो हैं वो रिटर्न करा लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं स्टेटस, सेकंड हम ले लेते हैं यहाँ पे मैसेज। ओके, ये दो चीज़ें हमें रिटर्न होके मिलेंगी कहाँ से, एक्सेल एक्स राइट। तो एक्सेल एक्स जो राइट कमांड है, सबसे पहला इसमें पैरामीटर हमने क्या बात की, हमारा जो नाम है। तो यहाँ पे हम कौन सी वेव जनरेट कर रहे हैं, सिंक वेव जनरेट कर रहे हैं। तो मैं इसका नाम लिख लेता हूँ सिंक वेव डॉट एक्सएल एक्स। अगर आप यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं देते हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बाय डिफॉल्ट भी एक्सटेंशन ले लेता है, पर वो एक्सटेंशन कौन सा लेता है, आई थिंक एक्सएल एस लेता है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे हमारे पास है। तो यहाँ पे आप देखिए बाय डिफॉल्ट ये क्या लेता है, डॉट एक्सएल एक्स जो है लेता है, लेकिन हमें किस में चाहिए, एक्सएल एक्स एक्स में चाहिए। तो हमने इसलिए यहाँ पे जो नेम है स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा जो भी डेटा है एक्सेल एक्स जो डेटा है, इसको क्या करूँगा, मैं राइट करूँगा, ठीक है। पर यहाँ पे राइट करने के पहले मैं इसका क्या कर लेता हूँ, ट्रांसपोज ले लेता हूँ। मैं ट्रांसपोज क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे होगा क्या ना, जो टाइम एक्सेस है और बाय है, ये आपका मैट्रिक्स बनेगा, तो यहाँ का आपका जो रो है वो कॉलम में और कॉलम जो है वो रो में जाएगा। अगर या पहले एक काम करते हैं, पहले हम इसका ट्रांसपोज नहीं लेते हैं, तो इससे आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो पैरामीटर होता है वो होता है सीट नेम। अगर आप कोई सीट नेम या स्ट्रिंग देना चाहते हैं, तो अभी तो मैं उसको नहीं देता हूँ, अभी हम इतना करके देखते हैं कि इससे हमारा क्या होगा। इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पे रन किया, ये तो हमारा फिगर ओपन हो गया, डेट्स ओके, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे आप देखिए जो आपकी एक फाइल है वो भी यहाँ पे क्या हो गई है, क्रिएट हो गई। इस फाइल को हम यहीं पे ओपन कर लेते हैं। हाँ ओके, तो ये देखिए ओपन हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए आपको क्या मिला, ये सारे आपको यहाँ पे क्या मिल गए, रोज मिल गए, लेकिन आपको क्या चाहिए था, कॉलम चाहिए था। मतलब यहाँ आपको रो कॉलम में मिल रहा है, कॉलम किस में मिल रहा है, रो में मिल रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। उसके बाद इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे, ठीक है। देखिए आइडेंटिफायर, मैसेज, सारी चीज़ें आपके पास क्या है, नल है, क्योंकि कोई भी एरर यहाँ पे नहीं आया है। बहुत अच्छी बात है भाई, एरर नहीं आया है। ओके सॉरी, इसको हमें खोलना है, ना कि साइन वेव को खोलना था। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या हुआ, आपने उसी सीट को, एग्जिस्टिंग सीट को क्या कर दिया, एडिट कर दिया। लेकिन यहाँ पहले डेटा किस में था,
रो में था, कॉलम में था, लेकिन अब इस तरीके से आपको मिल रहा है। तो ये सीट हमारी क्या हो गई, एक तरीके से हम बोल सकते हैं गड़बड़ हो गई है। तो इसको हम डिलीट करके वापस से अपना काम कर सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, क्या ओपन हो गया, हाँ ओके। तो इस सीट को हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ओके। यहाँ पे हमने डिलीट कर दिया। इसके बाद अगर इसको हम रन करेंगे तो हमारी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। उसके बाद अगर यहाँ पे हम सीट का कॉन्सेप्ट देखें कि सीट का कॉन्सेप्ट क्या है, तो अगर हम डॉक्यूमेंट्स पे जाएं और वहाँ पे देखें कि जो सीट है वो स्ट्रिंग है या क्या है, उसको यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास सीट है, ये क्या होता है, वर्क सीट नेम स्पेसिफाई एज वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग दैट कंटेन द वर्क सीट नेम, द स्ट्रिंग कैन नॉट कंटेन कॉलन, ओके। मतलब कॉलन यहाँ पे हम नहीं दे सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर डेट इंस्क्रीट द वर्कशीट इंडेक्स। सो वी हैव अ टू ऑप्शन, लाइक एक या तो हम वर्कशीट का नेम स्पेसिफाई कर दें, या फिर हम क्या कर दें, वर्कशीट का इंडेक्स स्पेसिफाई कर दें। इफ सीट डज नॉट एग्जिस्ट, एक्सेल एक्स राइज एट न्यू सीट एट द एंड ऑफ द वर्कशीट कलेक्शन, ओके। इफ सीट इज इंडेक्स लार्जर देन द नंबर ऑफ वर्कशीट, एक्सेल एक्स अपेंड एमपीटी सीट अंटिल द नंबर ऑफ वर्कशीट इज, ओके। मतलब होगा क्या, अगर आप यहाँ पे कोई भी नेम देते हैं, लाइक ओके मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ सिंक वेब, ओके। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो हमारी डेटा है इसको हम क्या कर लेते हैं, ओके, वेव जनरेशन कुछ हम नाम दे देते हैं। और हम सपोज करते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, वेव जनरेशन में एक हमारे पास सिंक वेव होगा, अगला प्रोग्राम जब हम बनाएंगे उसमें हम स्क्वायर वेव को यहाँ पे डाल देंगे। तो अब होगा क्या, अगर एक्सेल एक्स सीट में कुछ ये वाली सीट अगर नहीं है इस नाम की, तो मैटलैब क्या करेगा, उसमें एक सीट को ऐड कर देगा। अगर इसी की जगह आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप एक इंटीजर लेते हैं, ओके, आपने 1 लिया तो ये फर्स्ट इंडेक्स को उठाएगा और उस पर ये राइट कर देगा। अगर आपने यहाँ पे 10 लिख दिया तो मैटलैब क्या करेगा, 1 से 9 तक ब्लैंक सीट को ऐड करेगा और 10वीं सीट पर जाके ये जो वैल्यू है इसको राइट कर देगा, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम साइन वेव ले लेते हैं, सिंक वेव ले लेते हैं, सॉरी। उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, देखते हैं अगर हमारा कोई एरर आता है या क्या होता है, ओके। तो आप यहाँ पे देखिए कुछ वार्निंग हमें जरूर मिली है। तो देखिए मैसेज हमें क्या मिला, एडेड स्पेसिफाइड वर्कशीट, पहले तो हमने एक वर्कशीट ऐड कर ली, वो जो आइडेंटिफायर है एक्सेल एक्स राइट एड सीट, एड एक जो सीट है हमने उसको क्या किया यहाँ पे ऐड किया। कुछ वार्निंग भी आपको यहाँ पे मिली है, आप उनको चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो वेब जनरेशन है ये जनरेट हो गई है फाइल, सॉरी एक्सेल सीट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें जो डेटा है वो मिल गया और आपके पास जो सीट का नेम है वो क्या है, सिंक वेव है। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि एक और सीट हम इसमें ऐड कर दें स्क्वायर वेव के लिए, तो लास्ट वीडियो में हमने जनरेट भी किया था स्क्वायर वेव, तो हम कुछ नहीं करते, इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद हम सर्च करते हैं कि हमने स्क्वायर वेव कहाँ पे जनरेट किया था, ये देखिए हमारे पास स्क्वायर वेव का फंक्शन है, ओके। यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, टाइम एक्सिस है, वाई है, वाई भी है, इसका नाम हम लिख लेते हैं स्क्वायर वेव, ओके। तो इस सीट में हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर वेव जो है वो क्या हो जाएगी, जनरेट होगी और वो क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तो इस प्रोग्राम को हम रन कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक और वर्क सीट जो है वो ऐड हो गई है। इसको अगर हम वापस से ओपन करें तो यहाँ पे आप देखिए आपको सिंक वेव भी मिल जाएगा और स्क्वायर वेव भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप इनको अगर प्लॉट करेंगे आपको सेम चीजें यहाँ पे मिलेंगी। तो इस तरीके से जो है हम वर्क कर सकते हैं एक्सेल एक्स राइट के साथ। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ये चीज़ें किस तरीके से वर्क करती हैं। उसके बाद एक रेंज फंक्शन भी होता है, पर वो इतना ज़रूरी नहीं है अभी हमारे लिए। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा कि ये हमें किस तरीके से वर्क करना है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ओके। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट हैं, आप चाहते हैं हम उन टॉपिक्स को कवर करें, तो आप हमें बता सकते हैं, हम उन पे जरूर वीडियोस बनाएंगे और आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।